जय श्री महाकाल गाइस। तो फाइनली में परमात्मा भोलेनाथ का आज दिन है, तो आज आखिरी सोमवार है। तो आपको दिखाते हैं कि कितनी दुकान आई हुई है और मेला कैसा लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं भैया। तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो गाइस ये जंपिंग है, तो इसके 10 रुपये लेंगे तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे वो जंपिंग करवा सकते हो गाइस। तो फाइनली आपको एक और दुकान दिखाते हैं, बढ़िया सी दुकान है छोटी सी। तो गाइस ये खिलौना वगैरह है, तो अपने बच्चों को आप दिला सकते हो। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, तो यह आखिरी सोमवार है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया दुकान आई है। तो आपको ले चलते हैं और दूसरी दुकान की ओर। तो भैया की दुकान है बेल्ट, चश्मा व घड़ी आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगा। तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो भैया ये एक और दुकान है, चश्मे व घड़ी आपको सभी सामग्री मिल जाएगी गाइस। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आपको दुकान दिखाते हैं। भैया तो आपकी गर्लफ्रेंड व आपकी वाइफ के लिए आप चूड़ी खरीद सकते हो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे। तो आज आखिरी सोमवार है, तो बहुत ही दुकान लगी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आपको दिखाते हैं और भी दुकान, तो आपको दिखाई दे रही होगी दुकान, बहुत ही बढ़िया दुकान है यहाँ पे। तो आप यहाँ से पाइजब भी खरीद सकते हो व अन्य सामग्री भी मिल जाएगी आपको। तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो एक और दुकान है चश्मे, वो आपको बेल्ट अन्य सामान भी मिल जाएंगे। तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो यह बोंदर महाराज की दुकान है, तो आप यहाँ से नाश्ता भी कर सकते हो गाइस। शेक बादाम आपको जूस भी आ चुकी है यहाँ पे गाड़ी, आप जूस भी पी सकते हो यहाँ पे गाइस आके। जय भोलेनाथ। तो गाइस कटलर की दुकान बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइस सामान भी ले रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु। भैया की दुकान है यहाँ पे, तो बढ़िया नाश्ते की भी है, तो आप उपवास छोड़ते ही यहाँ पर नाश्ता कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको नाश्ता मिल जाएगा। तो जय भोलेनाथ दोस्तों, जय भोलेनाथ। तो साईं कृपा पानीपुरी जो अजय भैया का सेंटर है, तो आप पता से भी खा सकते हो, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो आज मेला लगा है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे, तो आखिरी सोमवार है, तो बहुत ज़्यादा दुकान आई है यहाँ पे। तो महाकाल चाट सेंटर है ये, तो भैया बहुत बढ़िया यहाँ पे बना के आपको खिलाएंगे। तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो भैया ये भी बढ़िया पानी और तासे की दुकान है, जोहार दोस्तों, जोहार। बढ़िया दुकान है भैया की, तो नाश्ता आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो कि मांडू में स्थित है, तो आज आखिरी सोमवार है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी, तो आप जल्द से जल्द आओ, आखिरी सोमवार है आज। तो दुकान बहुत ही लगी है, तो मैं आपको और भी दुकान दिखा देता हूँ दोस्तों। जोहार दोस्तों, जोहार। तो ये सेठ जी बोल रहे हैं कि जब भी बारिश होती है ज़्यादा, तो ये भज्जे ज़्यादा चलते हैं, पकोड़े और हाँ। तो सेठ जी बोल रहे हैं, ये सेठ यहाँ पे देख सकते हो आप। हाँ भैया देख सकते हो, भैया आप कटलरी की दुकान इधर भी है। तो जोहार दोस्तों, जोहार। चने की भी दुकान है यहाँ पे, वो आपको और दुकान दिखा देते हैं। इधर बनाना की है दुकान, केले उनकी। तो जोहार दोस्तों, जोहार। भैया ककड़ी काट रहे हैं, तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो भैया की एक ये भी दुकान को बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलेंगे बनाना, तो जोहार दोस्तों, आप जल्द से जल्द आओ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे। ये मोतिया भाई की दुकान है, तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे भी नाश्ता भी आप कर सकते हो गाइस। ये लट है यहाँ पे, आप ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया सजाई हुई है। तो आप कभी भी आओ तो गाइस लेना मत भूलना यहाँ से, आपको ये हमेशा मामला तैनात रहता है और हमेशा आपको साथ देगी ये लट। बढ़िया दुकान लग चुकी है गाइस, देख सकते हो आप। ये मेरी बहनों है, तो इनकी भी दुकान है यहाँ पे, देख सकते हो आप। चिप्स व कुरकुरे, तो सेव व सब आपको सामग्री मिल जाएगी किराने की। तो किराना स्टोर है गाइस, आप देख सकते हो। जोहार दोस्तों, जोहार।
मेज़बान है यहाँ पे। तो भैया बहुत ही बढ़िया आपको दिखाते हैं अभी आपको एक चीज़ जो कि मांडू में स्थित है। तो गाइस आपको देख सकते हो आप कितनी बढ़िया सजाई है दुकान, और आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे जीजू की दुकान है विनीत भैया की, तो बहुत बढ़िया दुकान है भैया की। तो जोहार दोस्तों, आप कैप भी ले सकते हो यहाँ से, वह अन्य आपको सामग्री लेना हो तो ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया चश्मे भी है यहाँ पे, तो आप बहुत ही बढ़िया दुकान है ये भैया की, विनीत भैया है। तो द्वार पे आ चुके हैं, अब द्वार का आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं गाइस। फाइनली में अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी फैलाना। तो काफ़ी नारियलों की दुकान लग चुकी है, तो आखिरी सोमवार का मामला तैनात है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो आप कितनी बढ़िया यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, और भैया चावल पे नाम भी लिख देंगे आपको। और हमारे आदरणीय सियाराम भाई जो कि मांडव में मामला तैनात, तो भैया नारियल की दुकान लगाई हुई है, तो आपको बहुत ही कम रेंज में मिल जाएंगे नारियल। तो गाइस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी फैला देना। तो भैया चावल पे नाम लिखते हैं बड़ी ही अच्छी तरह से, तो आप गाइस जल्द से जल्द आइए नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे मामला तैनात। तो आज आखिरी सोमवार है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दुकान आ चुकी है, तो भैया के पास आप चावल पर नाम लिखवा सकते हो। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिस पर नाम लिखा जाता है, तो आप सरनेम भी चढ़वा सकते हो अपनी, वो अपना नाम भी गुदवा सकते हो। तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो भैया मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये फ़ोटो स्टूडियो जो कि मांडव में मामला तैनात, तो आज आखिरी सोमवार है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडियो भी आ चुके हैं, 7-8 स्टूडियो है। तो आपको ये पहला स्टूडियो है, बहुत बढ़िया चलेगा ये भी स्टूडियो, तो आपको और भी ले चलते हैं दूसरे स्टूडियो में। तो शिव फोटो स्टूडियो है भैया का, बढ़िया से अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो गाइस ये भी स्टूडियो है, तो आप जल्द से जल्द आओ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे। तो आपको दिखाते हैं और भी आईली हुई दुकान यहाँ पे, आज आखिरी सोमवार है तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये अपने बाबा भोलेनाथ का दरबार नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, आज आखिरी सोमवार है, तो भोले परमात्मा को मेरी तरफ से सत सत नमन। आपको एक और दो लाइन दिख रही है ना, तो यह नाम गोदने वाले हैं और नाम भी आप लिखवा सकते हो गाइस। तो फाइनली में आपको बहुत बढ़िया आपका नाम लिख के देंगे हाथ पे, तो शायद लेते हैं 50 या 60 रुपये। तो आप जल्द से जल्द आओ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो कि मांडू में स्थित है। तो भैया की दुकान बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आप नाम भी गुदवा सकते हो। तो जोहार दोस्तों, जोहार। तो आप देख सकते हो फाइनली में दुकान भैया उनने बहुत बढ़िया और यहाँ पे एक नाम गुदवा रहे हैं, तो क्या आप देख सकते हो गाइस, और बहुत बढ़िया। और भोले परमात्मा के यहाँ से आप फोटो भी ले सकते हो, बढ़िया दुकान है, और आप काज भी ले सकते हो, बहुत ही कम रेंज में आपको मिलेगा। तो जय जोहार दोस्तों, जय आदिवासी। ये वहाँ से लगा के यहाँ तक रवि भाई, ये रवि भाई की दुकान है, तो आप देख सकते हो ये कुंती इधर मामला तैनात मांडव में स्थित मामला तैनात